समय है महा उपाय जानने का। कर्ज से अगर आप परेशान हैं तो उसकी मुक्ति के लिए आचार्य जी आज आपको चार चमत्कारी उपाय बताएंगे। जी नूरी, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है आजकल की स्थिति में। भागदौड़ के जीवन में हर व्यक्ति को अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए अक्सर कर्ज लेना पड़ता है। तो कर्ज अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं, आपने किसी भी तरीके का लोन ले रखा है, तो आप ये उपाय अवश्य करिए। कर्ज मुक्ति अगर आपको चाहिए तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आरंभ करके रात को 9 बत्तियों वाला आपको दीपक लगाना है हनुमान जी के समक्ष, और वहां पर बैठ करके आपको एक दीपक तो 9 बत्ती वाला लगाना है, वो सरसों के तेल का या तिल के तेल का होगा और वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जो पूरा रात्रि काल जलेगा, रात्रि पर्यंत तक जलता रहेगा। और दूसरा दीपक जो है वो देसी घी का होगा। देसी घी का दीपक जो होगा वो आपके बाएं हाथ की तरफ यानी आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जलेगा, और तेल का दीपक जो है वो आपके राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की तरफ जलता रहेगा। आपको स्वयं को लाल वस्त्र धारण करना है और इस साधना के लिए लाल आसन का ही प्रयोग करना है। और आपकी जितनी आयु है अपनी आयु बराबर, जैसे आप समझ लीजिए कि आप 40 वर्ष के हैं, तो अपनी आयु के बराबर यानी 40 बार आपको ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना है और कम से कम 11 पाठ हनुमान चालीसा का करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, और ये प्रयोग सिर्फ एक बार करना, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कर्ज दूर होने लगेगा। मंगलवार को दिन में आपको दूसरा उपाय यह है कि मंगलवार को दिन में आपको हनुमान जी को प्रसाद के साथ 2 तुलसी का दल जो है, तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। सरसों के तेल का दीपक, उसमें 2 लौंग डाल करके हनुमान जी के समक्ष अगर आप नियमित 40 दिन तक जलाते रहेंगे तो आपके जो कर्ज की स्थिति है, कितना भी बड़ा से बड़ा, कितना भी ज्यादा से ज्यादा कर्ज का बोझ होगा, ऋण का बोझ होगा, वो उतरने लगेगा। आग के पत्ते, जिसको हम लोग भगवान शिव को भी चढ़ाते हैं, आग के पत्ते जो पूजा में लिए जाते हैं, मदार का जिसको पौधा कहते हैं, जिसका पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है भगवान शिव और हनुमान जी को, तो आग के पत्ते को लेकर के उसे गंगा जल से धो लें और उस पर ओम विनायकाय नमः लिख करके 108 बार आप जाप भी कर लीजिए, और ये जो पत्ता है वो ले जा करके आप गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, वहाँ बैठ करके ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करें। ये कुछ ऐसे चमत्कारी प्रयोग हैं जिनको आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं तो इनमें से किसी भी प्रयोग को या इन चारों प्रयोग को एक साथ कम से कम एक बार अपने जीवन में अवश्य करिए। कर्ज मुक्ति का बहुत ही आसान और बहुत ही सरल साधन है, बहुत ही चमत्कारी और माना हुआ प्रयोग। जी बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, समय की पाबंदी है, आपके सितारे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।